आसिफ अली जरदारी को 255 और महमूद खान अचकजई को 119 वोट पड़े हैं। बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस तरह चारों सूबाई असम्बली और पार्लियामेंट के वोटों की तादाद अगर मिला ली जाए और जो फार्मूला बाकायदा तौर पर प्रिस्क्राइब किया गया था उसको ऐड कर लिया जाए तो इस तरह 411 वोट आसिफ अली जरदारी के बनते हैं और 181 वोट महमूद खान अचकजई के बनते हैं। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त वाज़े बर्तरी लेकर सदर मुंतखब हो चुके हैं। 14वें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी मुंतखब हो चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 411 वोट इन्होंने हासिल किए हैं हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक और 181 वोट महमूद खान अचकजई ने हासिल किए हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं और इस तरह से मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 14वें सदर हैं। आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं और अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो यहां पर इन्होंने 255 वोट हासिल किए, महमूद खान अचकजई ने 119 वोट किए हासिल और मजमूई तौर पर तकरीबन 411 वोट हासिल करके आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं। और मजमूई तौर पर बाकी असम्बलियों की बात कर ली जाए तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इन्होंने टोटल 17 वोट हासिल किए आसिफ अली जरदारी ने, जो कि आफ्टर कैलकुलेशन 7.58 की फिगर बनती है। सिंध असम्बली की बात कर ली जाए तो 151 वोट हासिल किए और फार्मूले के मुताबिक 58.52 वोट बनते हैं। पंजाब की बात कर ली जाए तो यहां पर इन्होंने 246 वोट हासिल किए और फार्मूले के तहत 43.15 की फिगर बनती है। और बलोचिस्तान असेंबली से 47 वोट इन्होंने हासिल किए और 255 वोट इन्होंने पार्लियामेंट से हासिल किए। इस तरह से तकरीबन मजमूई तौर पर 411 वोट हासिल करने के बाद आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं और महमूद खान अचकजई को मजमूई तौर पर तकरीबन 181 वोट यहां पर पड़े हैं और इस तरह से एक बार फिर से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कहलाने जा रहे हैं। 14वें ये सदर होंगे पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्लियामेंट के अंदर मुबारकबाद भी दी जा रही है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहां पर लोग मौजूद हैं और यहां पर जो मेंबरान मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके जानिब से नारेबाजी भी की गई है और उनकी जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। तो सदारती इंतखाबात में इस वक्त